एक्ट्रेस राखी सावंत कभी भी सुर्खियां बटोरने में असफल नहीं होती हैं। हाल ही में उन्हें शहर में देखा गया जहां उन्होंने मॉल के बारे में लोगों को जानकारी दी कि वो जहां जाती हैं और जिस मॉल में जाती हैं वहां आग लग जाती है। जब राखी से पूछा गया कि क्या मॉल में आग जानबूझकर लगाई गई थी तो उन्होंने कहा, राखी ये तुम्हें मारने की साजिश तो नहीं थी? अरे क्या ये हो सकता है? क्या बात बोली, नहीं, सही कह रहा है। जिम में मैं जाती हूँ, मेरे बिल्कुल मैं उस जिम मुझे मारने की साजिश थी। सही बात है। ओ भाई गॉड, ये तो मुझे पता ही नहीं चला। फिर अब आप क्या करोगे, क्या स्टेप लोगे, कैसे बचोगे अगर दोबारा हमला हुआ तो? पुलिस भी है वहाँ पे, आप लोग पुलिस को जाके पूछो कि ये राखी सावंत को मारने की साजिश थी क्या, पूछते हैं। क्योंकि वहाँ पे ही आग क्यों लगी? पूरा मुंबई छोड़ के जिस जिम में मैं जाती हूँ वहाँ पे ही आग क्यों लगी, ब्लास्ट क्यों हुआ, मतलब कोई साजिश है क्या? मीडिया वालों तुम लोग ने सही सवाल किया, ये तो मेरे को मालूम नहीं था। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। राखी जी किसी पे शक है आपको? क्या कुछ नुकसान? एक तो नल्ला है मेरी जिंदगी में जो अपना गल्ला खोल खोल के घूम रहा है, मालूम है ना? सही बात है। मुर्दे जो दफन हो चुके हैं उनको उखाड़ उखाड़ के लेकर आ रहा है मेरे खिलाफ, खड़ा कर रहा है। हो सकता है राखी, कल ही धमकी मिली और आज हादसा। कल ही मुझे धमकी मिली है, मेरे पास सारे ऑडियो है और आज हादसा हो गया। मोशवेरा पुलिस स्टेशन, मेरे बिल्डिंग में हर जगह मुझे सिक्योरिटी चाहिए, अब मेरे जिम पे भी हमला होने लगा। मैं हमेशा बुरखा पहन के निकलती हूँ, आज ही बुरखा नहीं पहनूंगी क्योंकि जिम जाना था ना, और सब बोलते हैं जिम में क्या बुरखा, अभी क्या स्विमिंग पूल में उड़ी मारू क्या बुरखे के साथ स्विमिंग करूँ क्या मैं, जिम में क्या बुरखे के साथ जिम करूँ क्या मैं? हेलो, बुरखा पहनाने वाला ही नहीं रहा है। चलो हटो, टकलिया। राखी और उनके पति आदिल की लड़ाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वो लगातार एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते नजर आते हैं।